हमारे सीने के भीतर एक छोटा सा दिल है जिसका वजन 250 से 300 ग्राम है। इसी दिल की वजह से हम सब जो हैं वह एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन इसी दिल की वजह से कई लोग जो होते हैं वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आज की घटना में बिल्कुल ऐसा ही है। एक महिला जो त्रिकोणीय प्रेम करती है जिसमें 3 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जब पुलिस इसकी जाँच करती है और बातें सामने निकल कर आती है, जिसे सुन आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा के पड़िया हाट की है। 30 जनवरी दोपहर के 12 से 1 के बीच का समय हो रहा होता है, तभी वहीं के पास के थाने की जो फोन की घंटी थी वह बजना शुरू हो जाती है। जब पुलिस अधिकारी फोन को रिसीव करते हैं तो उधर से जो व्यक्ति था वह कहता है कि उत्क्रमित विद्यालय चतरा में अचानक से फायरिंग हुई है, जिसमें 3 शिक्षक जो हैं वह इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं। पुलिस जो थी वह जैसे ही इस बात को सुनती है वह आनन फानन में तुरंत वहां से निकलती है और वह उस स्कूल में पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद जो व्यक्ति कॉल किया था वह व्यक्ति पुलिस को अंदर ले जाती है और वहां पर पुलिस जो थी वह देखती है कि 3 लोग जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं। एक जो है वह कुर्सी पर बैठा हुआ है और 2 जो लोग जो हैं वह नीचे गिरे हुए हैं। जब पुलिस नज़दीक पहुंचती है तो देखती है कि एक जो व्यक्ति है वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसके सर में गोली लगी हुई है, और एक महिला जो कि कोने में गिरी हुई है, वहीं पर एक और व्यक्ति जो कि गिरा हुआ है। पुलिस इस दृश्य को देखती है और तुरंत वह एम्बुलेंस को कॉल करना शुरू कर देती है, लेकिन एम्बुलेंस का जो कॉल था वह बार बार बिजी जा रहा होता है। पुलिस बार बार कॉल को लगाते हुए जा रहे होते हैं, तभी उसी बीच में जो कॉल था वह लग जाता है। पुलिस जो थी वह तुरंत कहती है कि जल्दी से उत्कृष्ट विद्यालय चतरा का जो है उसमें आप एम्बुलेंस लेकर जल्दी पहुंचो, 3 लोग जो है वह दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं। जो उधर से एम्बुलेंस में जो व्यक्ति कॉल उठाया था वह तुरंत वहां से निकलता है और चतरा के स्कूल पहुंचता है, और पुलिस जो थी वह तुरंत उन सभी बॉडी को अपने अंडर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के बाद पुलिस जो थी वह जाँच ताज करना शुरू कर देती है, पूछताछ सभी से करना शुरू कर देती है। तो ऐसी बातें सामने निकल कर आती है जिसे सुन पुलिसकर्मी भी समझ जाते हैं कि ये जो मामला है वह त्रिकोणीय प्रेम का है। गोंडा की रहने वाली सुजाता, जिसकी उम्र 32 साल थी, वह एक शिक्षिका थी और 2 साल पहले वह उस स्कूल में ज्वाइन की थी। ज्वाइन करने के बाद वह उस स्कूल में अपने घर से आना जाना वह शुरू कर देती है। दिन जो था सुजाता का बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। उसी दौरान उसी स्कूल में एक व्यक्ति जो कि टीचर होता है, जिसका नाम रवि रंजन होता है, उसे दोनों की आंखें मिलती है, और आंखें मिलने के बाद दोनों थे वह जब भी स्कूल आते वह दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते। धीरे धीरे बातचीत होते होते वह दोनों थे वह एक दूसरे को नंबर दे बैठते हैं और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद वह दोनों जो थे वह अक्सर लॉन्ग टूर पर जब स्कूल की छुट्टी होती तो वह दोनों निकल जाया करते, कभी सिनेमा हॉलों में चला जाया करते, महंगे महंगे दोनों मिलकर शॉपिंग किया करते। दिन इसी तरह से गुजारा होता जा रहा होता है। दोनों जो थे वह अक्सर घूमना फिरना उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद था, इसलिए जब भी मन होता सुजाता जो थी वह रवि रंजन को कॉल कर दिया करती, और रवि रंजन जो शिक्षक था वह उसके साथ वह निकल जाया करती। घूम फिर कर दोनों जो थे वह अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से काट रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो दिन था वह बीतता हुआ जा रहा होता है, उसी दौरान जो रवि रंजन था वह देखता है कि जो सुजाता है वह उसे थोड़ा धीरे धीरे दूर होती जा रही है। इस कारण से जो रवि रंजन था उसे समझ नहीं आ रहा होता है। जो रवि रंजन था वह जब भी सुजाता के पास कॉल लगाता, सुजाता जो थी वह कॉल को रिसीव नहीं करती। रवि रंजन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर जो सुजाता है वह पहले वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी का वादा एक दूसरे को कर चुके थे कि वह बहुत ही जल्द एक दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन जो सुजाता है वह आजकल रवि रंजन का कॉल क्यों नहीं उठा रही। जो रवि रंजन था वह अगले दिन सुबह के 10 बजे जब वह स्कूल पहुंचता है, जो सुजाता थी वह पहले से स्कूल में आई हुई थी। जो रवि रंजन था वह सुजाता के बगल में जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और हल्के से बोलना शुरू करता है कि सुजाता आखिर तुम मेरा कॉल जो है वह रिसीव क्यों नहीं कर रही। जो सुजाता थी वह इशारों में कहती है कि उसके घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इस कारण से वह अभी काफ़ी बिजी है और थोड़ी
टेंशन में है, इस कारण से वह कॉल को रिसीव नहीं कर रही है और उसे टाइम नहीं दे रही है। जो रविचंद्र था वह कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों की कुछ दिनों में शादी होने वाली है और तुम जो है वह मुझे अब धीरे धीरे दूर कर रहे हो। जो साधा थी वह कहती ऐसी कोई बात नहीं है, जो आप तुम्हें ऐसा लग रहा है लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वह सुलझ जाएगा, उसके बाद जो है वह हम दोनों एक दूसरे के साथ पहले की तरह रहने लगेंगे। जो रविरंजन था वह श्वेता की बातों को मानता है और वह अपने क्लासरूम में चला जाता है। जो रविरंजन था वह शाम के जब 4 बजता है, जब स्कूल की छुट्टी होती है, जो रविरंजन था वह अपनी मोटरसाइकिल को निकालता है और श्वेता के सामने जाकर लगा देता है और कहता है कि श्वेता चलो जो आज मैं तुम्हें घर पर तुम्हारे छोड़ आता हूँ। लेकिन श्वेता जो थी वह कहती है नहीं, उसे जो है वह अकेले जाना है। इस बात को सुनकर रविरंजन कुछ समझ नहीं पाता। रविरंजन जो था वह जिद करता है कि श्वेता जो तुम हर दिन मेरी मोटरसाइकिल पर बैठने में हिचकिचाया नहीं करती थी, तो तुम खुद बुलाकर अब मेरे मोटरसाइकिल पर बैठा करती थी, आजकल तुम्हें क्या हो गया है, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या जो तुम्हें मुझसे थोड़ी दूर होती जा रही हो। जो श्वेता थी वह कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा मूड जो है वह ठीक नहीं है, तुम जाओ। इतना सुनते ही जो रविरंजन का था वह कहता है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहते हुए वह वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल को चालू करता है और वह अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जो रविरंजन था वह अगले दिन जब स्कूल जो था वह थोड़ा लेट पहुँचता है तो देखता है कि जो श्वेता है वह उसी स्कूल के एक शिक्षक जिसका नाम आदर्श सिंह होता है, उम्र 38 साल थी। जो श्वेता है वह आदर्श के साथ बैठकर दोनों एक दूसरे के साथ हंस बस कर बातें कर रहे हैं। रविरंजन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि जो श्वेता है वह जब भी उसके पास जाता है वह बातें करने के बजाय वह कहती है उसका मूड जो है वह ठीक नहीं है और उसके पीछे वह आदर्श के साथ वह हंस हंस कर बातें कर रही है। जो रविरंजन था उसे कुछ शक होता है। शक होने के बाद जो रविरंजन था वह श्वेता के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है। वह स्कूल में एंट्री करता है, उसके बाद क्लासरूम में जाने के बाद क्लास खत्म हो जाने के बाद जो रविरंजन था वह श्वेता के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है श्वेता मेरा मोबाइल का बैलेंस जो है वह समाप्त हो चुका है, क्या तुम अपना मोबाइल को दे सकती हो। श्वेता जो थी वह इस बात को सुनती है तो वह बिना कुछ सोचे हुए वह अपने मोबाइल को रविरंजन को दे देती है। जो रविरंजन था वह तुरंत श्वेता का मोबाइल को मिलते ही वह कॉल हिस्ट्री को देखना शुरू कर देता है। तो उसमें जब वह कॉल हिस्ट्री को देखता है तो रविरंजन के पैर तले की जमीन खिसक जाती है। जो रविरंजन था वह देखता है कि जो आदर्श और श्वेता है वह दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों तक बातें करते हैं और जहाँ तक नंबर नज़र आ रहा है वह ज़्यादातर नंबर जो है वह आदर्श का नंबर है। जैसे ही वह इन हिस्ट्री को रविरंजन देखता है वह सारी बातों को समझ जाता है कि जो श्वेता है वह उसके दिल से खेल रही है, वह त्रिकोण प्रेम कर रही है। जो रविरंजन था वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में हो जाता है लेकिन वह खुद पर वहाँ पर कंट्रोल करता है। और जब स्कूल की छुट्टी होती है श्वेता जो थी वह स्कूल से बाहर निकलती है और वह रास्ते में होती है तो रविरंजन था वह श्वेता के पास पहुँचता है और कहता है श्वेता आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जिसके कारण तुम जो है वह मुझे इस तरह से कर रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। जो श्वेता थी इस बात को सुनती है वह कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ। जो रविरंजन था वह कहता है कि मैं सारी चीज़ें जो है वह समझ चुका हूँ, आज तुम्हारे जब मैंने मोबाइल देखा तो मैं सारी चीज़ जो है वह पूरी तरीके से समझ चुका हूँ कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो और मेरा कॉल जो है वह तुम रिसीव क्यों नहीं कर रही हो। जो श्वेता थी वह इस बात को सुनती है वह कहती है मुझे इस बारे में बात नहीं करना है, मुझे जो है वह जल्दी से घर जाना है। श्वेता जो थी वह एक ऑटो को पकड़ती है और वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है। रविरंजन जो था वह उस ऑटो को पीछा करते हुए वह भी अपने घर को चला जाता है। अगले दिन सुबह के 9 बज रहे होते हैं। जो रविरंजन था वह अपने स्कूल में पहुँचता है और पहुँचने के बाद वह सभी टीचर से मिलता हुआ वह देखता है कि श्वेता जो है वह कहीं भी नज़र नहीं आ रही, ना ही आदर्श जो है वह नज़र आ रहा है। वह श्वेता को ढूंढता हुआ वह स्कूल में जब अंदर पहुंचता है तो देखता है कि लाइब्रेरी के कोने में जो श्वेता है और आदर्श दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। इस दृश्य को देखते ही जो रविरंजन था वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं पर श्वेता से कहा सुनी करना शुरू कर देता है।
कि तुम मुझसे वादा की हो कि मुझसे शादी करोगी, मेरे साथ घुमा फिरा करती थी, आज जो है वह मेरे से मन भर गया, तो क्या तुम किसी और से प्यार कर बैठी। जो सुजाता थी वह कहती है कि तुम इन सब बातों को बंद करो, ये स्कूल है, मैं इन सब बारे में बात तुमसे नहीं करना चाहती। जो रविचंद्रन था वह कहता है कि ये स्कूल है, विद्या का मंदिर है, जो तुम जो है वह जो कर रही हो दोनों कोने में बैठकर वह ठीक नहीं है। जो आदर्श था वह चुपचाप से वहीं पे से देख रहा होता है, और जो सुजाता थी वह कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जो रविरंजन था वह वहीं पे से स्कूल की छुट्टी को लेता है प्रिंसिपल से, और वहाँ से वह अपने घर को चला आता है। रविरंजन जो था वह उसे बार बार सुजाता की याद आ रही होती है कि उसके साथ, उसके दिल के साथ सुजाता जो है वह खेल चुकी है, और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इस गुस्से में कुछ ऐसा वह प्लानिंग कर बैठता है, और अगले दिन सुबह के करीब 10 बज रहे होते हैं, जब वह स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि स्कूल में जो सभी जो लोग हैं वह अपने अपने क्लास को ले रहे हैं। जो रविरंजन था वह अपने क्लास में पहुंचता है और बार बार सुजाता की तरफ गुस्से में देख रहा होता है। जब क्लास में लंच होता है, सभी जो लोग थे वह जहाँ तहाँ बैठना शुरू कर देते हैं, जिसमें सुजाता और जो आदर्श था वह लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाते हैं। वहीं पर रविरंजन था वह चुपचाप से लाइब्रेरी में जाता है और वह भी वहीं पर बैठ जाता है। उन दोनों को बात करते हुए देखकर रविरंजन था वह तुरंत अपने कमर से पिस्टल को निकालता है और सबसे पहले सुजाता के ऊपर चला बैठता है, जिससे सुजाता वहीं पर गिर जाती है, और जो आदर्श था वह वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। तभी जो रविरंजन था वह दूसरी पिस्टल को निकालता है और आदर्श के ऊपर चला बैठता है, जिसे जो आदर्श था वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और वहीं पर वह दोनों गिर जाते हैं। जो रविरंजन था वह उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वह करे क्या, क्योंकि वह जो किया है उसे जानने के बाद पुलिस जो है वह उसे जेल की सलाखों के पीछे घेर देगी। इस चीज़ को सोचकर वह तुरंत तीसरे पिस्टल को निकालता है और खुद के सर पर रख कर वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जब लगातार 3 फायरिंग की आवाज़ सभी स्कूल के अगल बगल के जो लोग थे वह सुनते हैं, वह तुरंत थाने में कॉल करते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जो थी वह तुरंत वहां पर पहुंचती है और उन तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या सुजाता की गलती थी कि पहले रविरंजन से वह प्यार की और उसे जब उसका दिल भर गया तो वह आदर्श के साथ प्यार करने लगी, या फिर आदर्श की गलती थी कि वह जान रहा होता है कि सुजाता जो है वह रविरंजन से प्यार करती है, रविरंजन जो है वह सुजाता से प्यार करता है, फिर भी वह सुजाता से दिल लगा बैठा, उसके साथ वह प्रेम प्रसंग शुरू कर दिया, या फिर रविरंजन की गलती थी कि वह जान चुका था कि सुजाता जो है वह आदर्श से प्यार करने लगी है, तो उसे एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करनी चाहिए थी सुजाता को भूलकर। आपको किसकी गलती लगती है, कमेंट में अपना राय जुड़ दीजिएगा। और कल के वीडियो में जो कमेंट करने वाले हैं और जिन्होंने नाम लेने का रिक्वेस्ट किया है, उनका नाम है राजू भाई सोलंकी, जो कि राजकोट गुजरात के रहने वाले हैं, और ये कहानी जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है मेरे एक ईमेल के ऊपर और कहा है कि इस कहानी को आप लोगों के सामने लाइए, उनको दिल से धन्यवाद।